ये प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या जिले कुपवारा के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या लीडर्स हो जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब को और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल साहब को ये अपने दिल से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कल मुझे नॉमिनेट किया ज़िले कुपवारा के लिए, इंशाल्लाह रहमान ज़िले कुपवारा में हम ईमानदारी के साथ और दिल व जान लगाकर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या लीडर हो उसको साथ चलाकर ज़िले कुपवारा में भारतीय जनता पार्टी का मंशूर हर घर तक पहुंचाऊंगा। और पार्टी ने जो मुझे कल ज़िले सदर के लिए नॉमिनेट किया है, इंशाल्लाह रहमान जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं पार्टी के लिए 24 घंटे काम करता रहूंगा। और हम सब की ये कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शन में ज़िले कुपवारा से नुमाइंदगी असम्बली के ऐवान में पहुंचाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल काम किया है गरीब आवाम के लिए और उन स्कीमों को गरीबों तक पहुंचाऊंगा, जो ज़िले कुपवारा की डिस्ट्रिक्ट टीम हो, चाहे एसटी मोर्चा हो, चाहे मिनार्टी मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है या वर्कर्स है, उनको साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा।